हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल द ब्राउन डायरेक्शंस। आज की वीडियो बनेगी उस्ताद मूसेवाले के नए गाने पे, जिसका नाम है द लास्ट राइड। ऑफिशियल वीडियो आई है सिद्धू मूसेवाले के। बहुत ज्यादा गाने हमसे मिस हो गए हैं, कुछ बिजी गाने आए जरूर हैं, पर वो सारे ऑडियो थे, तो ऑडियो पे मतलब रिएक्शन मतलब उसकी ना वीडियो उन्होंने ऐसे मतलब एडिटिंग करके एक रैंडम सी वीडियो डाली है, पर उस वीडियो का मजा नहीं आता, लेकिन गाने पर इसकी गाने के साथ वीडियो बनी हो, कॉम्बो पैक फिर चढ़ते ही चढ़ता। हम जरा वो रिएक्शन इसी वजह से नहीं कर पाए, थोड़ा सा हम जरा लेट थे तो इस वजह से नहीं कर पाए, लेकिन इस गाने का बड़ा वेट था मुझे, क्योंकि मैंने इसकी स्टोरी देखी थी और मैं कह रहा था कि वाकई कोई चीज़ होगी, और फाइनली वो गाना आ गया और हमने टाइम पे इसको पकड़ लिया है। वरना अक्सर ये होता है कि हम लोग ज़रा लेट हो जाते हैं, डिले हो जाता होता है। तो खैर, बगैर अब किसी वेट के हम लोग चलते हैं गाने की तरफ और देखते हैं कि क्या पहले भी सिद्धू मूसेवाले के गाने पर रिएक्शन किया हुआ है, देख सकते हैं क्लिक करके। तो विदाउट टाइम इसके हम लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, चलते हैं गाने की तरफ, देखते हैं कैसा है। वजीर पत्थर भी है इसमें, वजीर पत्थर आए, बड़ी देर बाद देखा ये लोगों सिद्धू भाई को जंत। हो गया, बहुत जग पे आवाजा मिठिए,
अच्छा वजीर पत्थर ने मुझे लगता है गाना लिखा है, इसी वजह से वो साथ है। मुझे लगा कि शायद वो जो है ना उसने थोड़ा सा रैप टाइप करेगा कुछ। हाँ, मुझे भी यही था वेट कि आएगा आएगा आएगा, पर वो नहीं आया। उसने फिर लिखा ही होगा। नहीं लिखा भी यहाँ पे आ तो रहा है लिरिक्स सिद्धू मूसे वाले के, लेकिन म्यूजिक जो है ना वजीर पत्थर का, जैसे वो यार देसी ग्रुप हो गया, इसी तरह इनकी तरफ से जो बिग बर्ड हो गया। बिग बर्ड तो कभी अंदर गा भी लेता होता है, बट वो सिद्धू के गाने में होता मेन चीज जो थी वो लिरिक्स होती है, ठीक है। वो म्यूजिक वगैरह वो सारे कर लेते हैं, बीट पे मतलब चलता है। और ये ज्यादातर मुझे ना वो उसका मजा आया, वो जो उसका था सेम जैसा का एक गाना आया था किंग पिन था, उसके अंदर भी सेम ये थीम था कि ब्लैक एंड व्हाइट थीम के अंदर, लेकिन वो था जरा सूटेड बूटेड हुए थे। यहाँ पे उसने फॉर्म और उसने जो स्टोरी बनाई अपने लिरिक्स अकॉर्डिंग जनाजा के साथ, जनाजा उठ हुआ था, फ्यूनरल जो है ना, फ्यूनरल जो होता है उसके साथ उन्होंने जो है ना वो उसका मैच किया, तो सारे लिरिक्स जो है ना वो बड़े कमाल थे। कोई नहीं कह सकता मैं कि यार ये वाला ज़्यादा बेहतर था, ये वाला ज़्यादा बेहतर था, सारे ही अपने लेवल पे थे। और जो है ना सारे उसने खींच के लगाए हैं और हर चीज़ को उसने डिस्कस किया है। गाना ज़रा लेंथी था, लेकिन ये था कि मज़ा आया उसका वाकई सुन के ना, मतलब बोर कहीं पर नहीं हुआ। एंड तक जाते जाते उसने ना सारे माजे साजे सारे उसने जो है ना रगड़े, तो ये सारे सीन है। बड़ा अच्छा गाना था। और बाकी आपको कैसा लगा आपने हमें ज़रूर बताना है कमेंट में, कैसा लगा गाना, क्या क्या आपके माइंड में, मतलब क्या आपको ज़्यादा बेहतर है, वीडियो या लिरिक्स या क्या है। तो विदाउट टाइम वेस्ट कर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी या।